अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी, ठीक ठाक, बहुत प्यारी सी, बहुत क्यूट सी। तो अब बज रहे हैं रात के 1 और आप मेरी शक्ल देख सकते हैं, मुझे कितनी ज़ोर की नींद आई है। लेकिन 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 मैंने जाना है अम्मी के घर सुबह, और सुबह इंशाल्लाह ताला 5:30 बजे तक हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और अब मैं कर रही हूँ तैयारियाँ, इतना सारा मैंने कबाड़ भी लाया हुआ सुबह के लिए, चीज़ें निकाल रही हूँ। हमने क्योंकि बाइक पे जाना है तो अपने हस्बैंड ट्राउज़र शर्ट ग्लव्स और उनके हेलमेट और अपने कपड़े वगैरह ये वो सारे कुछ पैक कर लिए, क्योंकि आज हम लोगों ने भी कुर्बानी की थी और बहुत से गेस्ट आए हुए थे हमारे घर। तो सुबह से बहुत थक चुकी हूँ, इस टाइम मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है, बट फिर भी मैंने कहा कि हमने सुबह सुबह जाना है। तो चीज़ें मेरे रख गई, ये है मेरा ड्रेस जो कि मैंने निकाल लिया, अभी मैंने आयरन नहीं किया, आयरन में बाद में करूँगी। ये मेरे हस्बैंड के ग्लव्स हो गए और ये जैकेट है, ये ट्राउज़र शर्ट, चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, बैग मैंने बना लिया है और ये मेरा बैग बना हुआ है, ये पैकिंग हो चुकी है मेरी। अब सब कुछ रेडी हो चुका है और हम मिलते हैं सुबह जाने के टाइम पे। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब मैं उठ चुकी हूँ सुबह 5 बजे की उठी में और मैं तो हो गई हूँ रेडी। और मैंने कहा था हम लोग 5:30 बजे तक निकल जाएंगे, बट मैं तो रेडी हूँ और मान को उठा रही हूँ, मान उठ ही नहीं रहे। अब देखना ये है कि मान उठते कब हैं और हम जाते कब हैं। तो यहाँ अब हम हो गए हैं रेडी निकलने के लिए और ये अब ग्लव्स पहन रहे हैं, हेलमेट लिया हुआ और मैं हो गई हूँ रेडी। अब हम निकलते हैं, 6 बजे का टाइम पे अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। हम यहाँ पेट्रोल पंप पे रुक चुके हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं हमने बाइक पे पेट्रोल डलवाना है, पेट्रोल डलवाते हैं और यहाँ से फिर हम रवाना होते हैं। पेट्रोल डलवाने के बाद अब हम हो चुके हैं रवाना और मुझे बाइक पे तो लॉन्ग ड्राइव का बहुत ही मज़ा आता है। मुझे कमेंट सेक्शन में बस बताइए कि किस किस को बाइक पे लॉन्ग ड्राइव करने का बहुत शौक है मेरी तरह। तक हम लोगों ने आधा सफ़र कर लिया हुआ है और अब आ रही थी हमें यहाँ पे बहुत ज़ोर की नींद। हमें रास्ते में बहुत नींद आ रही थी इसलिए हमने कहा चलो हम चाय ही पी लेते हैं। पहले हम एक ढाबे पे गए लेकिन अभी वहाँ काम स्टार्ट ही हो रहा था, चाय थी ही नहीं। उसके बाद शुक्र है अब यहाँ पे चाय है, अब हम चाय पियेंगे और इसके बाद निकलेंगे। हाँ जी, फ्रेश हो गए हैं, अब नींद आ रही है क्योंकि हम इतनी सुबह सुबह निकले हैं इसलिए हम दोनों को ही बहुत नींद आ रही है। अब यहाँ ये हमारी चाय आ चुकी है, हम ये पीते हैं और फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर से रवाना होते हैं यहाँ से। यहाँ इनका नींद ऐसे बुरा हाल है, चाय पीने के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुली, इनमें चार्जिंग नहीं हुई अभी भी ये ऐसे बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। मैं तो चाय पीने से हो गई हूँ फ्रेश और इनको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मान को चाय पी लिए, लेकिन अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे उसके बाद फ्रेश हो जाएंगे फिर हम निकलते हैं। मैं अम्मी के घर पहुंच चुकी हूँ और जैसे पहुंची हूँ यहाँ कुर्बानी होने वाली थी और फौरन से कुर्बानी हुई है और ये मेरा भाई ऐसे रो रहे हैं। क्या, क्यों रो रहे हो? क्योंकि हमने बकरा पाला हुआ था, उसी की कुर्बानी किया तो ये इस तरह रो रहा है। अब्दुल इधर देखना रोते नहीं होते पागल, अल्लाह ताला कबूल करे, ऐसे बोलते होते हैं। ये यहाँ हिसाब हो रहा है, वहाँ ये कसाई खड़े हुए हैं और यहाँ ये कसाई गोश्त बना रहे हैं सारे, ये छोटे छोटे बच्चे सारे। हाँ शेरू है ये, सही है। टांगे क्या है इसकी?
काम जोर शोर से जारी है, यहाँ काम लगे पड़ा है। यहाँ पे भी अब बैठ गई है वोटिंग करवाने के लिए। पैसे शैसे कोई नहीं मिलेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन। इसके चैनल को? मेरे, वही कह रही हूँ, इसके चैनल। यहाँ मेरे भाई को और तो कोई मिला नहीं है, अपने चैनल की प्रमोशन इस बकरे से करा रहा है। क्या करें यहाँ पे प्याज, हाँ जी प्याज चल रही है, बनाने की तैयारियाँ कर रही हूँ। चल झूठे, चल जान, चले चले आओ भाई, कामों को लग जाओ जल्दी जल्दी से। हाँ कामों को लग जाओ, पता तो चले कुर्बानी वाली ईद है। हाँ जी, ओहो बस उतर जा रही हैं अब ऐसे, ये बाहर तो जगह नहीं है, बाहर तो अब गोश्त बन रहा है, पंखा तो बाहर भी चल रहा होगा। हाँ वैसे वैसे तो हम लोग पानी में भिगो, वैसे तो एवन फिर और बाउल लेके आओ, आप भी लेके आओ, मैं नहीं उसमें रख लूँ तो जो ना पानी पानी काट देना, ठीक है? ये तो काट दूंगी एवन, मेरी टांग इधर देना आप, मैंने आपको कहा कि ऊपर बैठो, मैं भी आपके साथ करवा लेती। नहीं मैं नीचे बैठू। चलो अब नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता किया जा रहा है इसको, एक मिनट स्ट्राइकी बोली जा रही है जिसको बोलनी नहीं आती। हाँ सालन में थोड़े हो जाए, सालन में थोड़े हो जाए टमाटर, नहीं थोड़े होते हैं। जबान भी निकाल रही है, ये बहुत ज्यादा हो गया चाचू। हाय हाय, अब हम ये नहीं पकाएंगे, इस हिस्से को हटा देंगे, ये बनेगा, ये पकेगा नहीं, इसका कीमा बनेगा। चाचू मेरे पास आ रहे, अब हम लोग यहाँ पे मुल्तान से बहावलपुर वापसी के रास्ते पे हैं। हम बस्ती में लोग रुके, चाय शाय भी हमने, और हमने अम्मी के घर हो लिया, हमने ईद गुजार ली, चार पांच दिन मैं वहाँ रह गई और मेरी बहुत अच्छी ईद गुजरी। और इस व्लॉग की मैं एंडिंग नहीं बना सकी क्योंकि बहुत सारे गेस्ट थे, मैं बहुत बिजी थी, इसलिए मैंने एंडिंग नहीं बनाई। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।